हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। आज जो है हम लोग द हिंदू एडिटोरियल के वोकैब को करने जा रहे हैं। ओके, ये वोकैब का क्लास डेली होता है, आप लोग डेली इस वोकैब को देखा करें। ओके, अगर इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करना है तो आप लोग डेली इस वोकैब क्लास को देखा करें। पहला वर्ड है रेगुलेशन। वर्ड के लास्ट में ION है, नाउन की तरह यूज होगा। इसका मतलब है एन ऑफिशियल रूल और द एक्ट ऑफ कंट्रोलिंग समथिंग, यानी कि नियम या फिर कानून कह सकते हैं, कुछ नियंत्रित करने का। ओके, नेक्स्ट वर्ड है परसूट। ये जो है नाउन के तरह यूज होगा। इसका मतलब है द एक्शन ऑफ ट्राइंग टू अचीव और गेट समथिंग, यानी कि कुछ पाने की कोशिश। नेक्स्ट वर्ड है एम्बिट, नाउन के तरह यूज होगा। इसका मतलब है द रेंज और लिमिट्स ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ समथिंग, यानी कि सीमा। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपेंशन। वर्ड के लास्ट में ION रहेगा, नाउन के तरह यूज होगा। इसका मतलब है द इंक्रीज ऑफ समथिंग इन साइज, नंबर और इम्पोर्टेंस, मतलब किसी भी चीज का जो है ये साइज में इंक्रीज होना, नंबर में इंक्रीज होना या फिर इम्पोर्टेंस इंक्रीज होना, तो उसे ही एक्सपेंशन कहते हैं। एक्सपेंशन का हिंदी मीनिंग हो जाएगा विस्तार। नेक्स्ट वर्ड है इवॉल्व। इवॉल्व जो है वर्ब के तरह यूज होगा। इसका मतलब है टू डेवलप ग्रेजुअली, यानी कि विकसित होना। हिंदी मीनिंग इवॉल्व का हिंदी मीनिंग कह सकते हैं विकसित। ओके, नेक्स्ट वर्ड है एक्नॉलेज। इसका मतलब है टू एक्सेप्ट और एडमिट दैट समथिंग इज ट्रू और एग्जिस्ट, यानी कि किसी बात की सच्चाई को स्वीकार करना, मान लेना या फिर मान्यता देना। नेक्स्ट वर्ड है अनइक्यूवोकल। वर्ड के लास्ट में AL है, एडजेक्टिव के तरह यूज होगा। इसका मतलब है लीविंग नो डाउट या फिर अनएम्बिगुअस, मतलब कि कोई भी डाउट नहीं छोड़ना, और जो है अनएम्बिगुअस है मतलब कि स्पष्ट है, क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड है इंक्रिप्शन। वर्ड के लास्ट में ION है, नाउन की तरह यूज होगा। इसका मतलब है द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन और सिग्नल्स इनटू ए सीक्रेट कोड, सिस्टम ऑफ लेटर्स, नंबर और सिंबल्स दैट पीपुल कैन नॉट अंडरस्टैंड और यूज विदाउट ए स्पेशल इक्विपमेंट, यानी कि इंक्रिप्शन का मतलब वो हो गया वो प्रोसेस जिसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन और सिग्नल्स को जो है सीक्रेट कोड में चेंज कर देना, उसे ही इंक्रिप्शन कहते हैं। इंक्रिप्शन का मतलब हिंदी में जान लीजिए किसी भी डाटा फाइल या इंफॉर्मेशन को कोड के जरिए सुरक्षित करना होता है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है वल्नरेबल। एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। इसका मतलब है एबल टू बी इजिली फिजिकली और मेंटली हर्ट, इन्फ्लुएंस्ड और अटैक्ट, इसे कहेंगे हिंदी में अति संवेदनशील। नेक्स्ट वर्ड है अंडरप्ले। वर्ब के तरह यूज होगा। इसका मतलब है टू मेक समथिंग सच एज ए डेंजरस सिचुएशन सीम लेस इंपोर्टेंट और डेंजरस देन इट रियली इज, यानी कि किसी भी चीज को कम करके आंकना। नेक्स्ट वर्ड है आर्मर, नाउन के तरह यूज होगा। ठीक है, इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग कवरिंग दैट प्रोटेक्ट समथिंग स्पेशियली द बॉडी, यानी कि हथियार बंद गाड़ी या फिर कवच, इसका हिंदी मीनिंग होगा। स्ट्रॉन्ग कवरिंग दैट प्रोटेक्ट समथिंग, मतलब कि स्ट्रॉन्ग कवरिंग जो जो है किसी चीज को प्रोटेक्ट कर रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है इनवोक। वर्ब के तरह यूज होगा। इसका मतलब है टू यूज ए लॉ इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग और टू मेंशन समथिंग इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन समथिंग और टू सपोर्ट योर ओपिनियन और एक्शन, यानी कि कोई चीज शुरू करना या फिर आह्वान करना। ओके, नेक्स्ट वर्ड है डिमोन्स्ट्रेशन, नाउन की तरह यूज होगा। इसका मतलब है समथिंग दैट शोज क्लियरली दैट समथिंग एग्जिस्ट और इट इज ट्रू, यानी कि किसी बात के सत्य होने का संकेत। नेक्स्ट वर्ड है कैम्यूफ्लैग। ओके, ये नाउन की तरह यूज होगा। इसका मतलब है द यूज ऑफ लीव्स और ब्रांचेस, पेंट्स एंड क्लॉथ फॉर हाइडिंग सोल्डर्स और मिलिट्री इक्विपमेंट सो दैट दे कैन नॉट बी सीन अगेंस्ट द एरिया अराउंड देम, यानी कि इसका हिंदी मीनिंग होगा कैम्यूफ्लेज का हिंदी मीनिंग होगा छुप जाना, इसका हिंदी मीनिंग होगा छुप जाना। ओके, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है क्रेडल, नाउन की तरह यूज होगा। इसका मतलब है ए स्मॉल बेड फॉर ए बेबी, स्पेशियली वन डेट मूव फ्रॉम साइड टू साइड,
यानी कि झूले से मिलता जुलता ढांचा, या फिर पालने की तरह झुलाना। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि ए स्मॉल बेड फॉर ए बेबी स्पेशली वन डेट मूव्स फ्रॉम, जो कि मूव्स कर सकता है साइड टू साइड, उसे ही क्रेडल कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्रोफेकेटिव। प्रोफेकेटिव एडजेक्टिव के तरह यूज होगा। इसका मतलब है काउजिंग थॉट अबाउट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, यानी कि उकसाने वाला या फिर उत्तेजक, उसे ही प्रोफेकेटिव कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अनकन्विंसिंगली। वर्ड के लास्ट में एल वाई है, एडवर्ब के तरह यूज होगा। इसका मतलब है इन ए वे डेट डज नॉट सीम ट्रू और रियल, यानी कि निश्चयात्मक तरीके से। नेक्स्ट वर्ड है फोमेंट। वर्ब के तरह यूज होगा। इसका मतलब है टू काउज ट्रबल टू डेवलप, यानी कि भड़काना। नेक्स्ट वर्ड है ट्रंक्यूलिटी। नाउन के तरह यूज होगा। इसका मतलब है ए पीसफुल काम स्टेट विदाउट नॉइज वायलेंस ओवरी इटीसी। मतलब एक पीसफुल यानी कि शांति पूर्वक या फिर काम स्टेट विदाउट नॉइज, उसे ट्रांक्यूलिटी कहते हैं। हिंदी मीनिंग होगा इसका शांति। नेक्स्ट वर्ड है कन्विक्शन। नाउन के तरह यूज होगा। इसका मतलब है द फैक्ट ऑफ ऑफिशियली बीइंग फाउंड टू बी गिल्टी ऑफ ए पार्टिकुलर क्राइम और द एक्ट ऑफ ऑफिशियली फाइंडिंग समवन गिल्टी, यानी कि दोष सिद्धि। नेक्स्ट वर्ड है इंस्टिगेट। वर्ब के तरह यूज होगा। इसका मतलब है टू काउज एन इवेंट और सिचुएशन टू हैपन बाय मेकिंग ए सेट ऑफ एक्शंस और ए फॉर्मल प्रोसेस बिगिन, यानी कि किसी चीज को भड़काना वो फिर या फिर उकसाना, उसे ही इंस्टिगेट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड है इंडल्ज। वर्ब के तरह यूज होगा। इसका मतलब है टू अलाउ योर सेल्फ और अनदर पर्सन टू हैव समथिंग इंजॉयबल स्पेशली मोर देन इज गुड फॉर यू, यानी कि मौज मस्ती करना या फिर खुश करना, उसे ही इंडल्ज कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एक्सप्लोसिव। एडजेक्टिव के तरह यूज होगा। इसका मतलब है एक्सप्लोडिंग और एबल टू एक्सप्लोड इजली। ठीक है, जिसका मीनिंग होगा हिंदी में विस्फोटक। नेक्स्ट वर्ड है प्रिजुडिस। नाउन के तरह यूज होगा। इसका मतलब है एन अनफेयर एंड अनरीजनेबल ओपिनियन और फीलिंग, यानी कि कोई अनफेयर या फिर अनरीजनेबल ओपिनियन है या फिर फीलिंग है, इसे ही प्रिजुडाइज कहते हैं। ओके, इसका हिंदी मीनिंग होगा पक्षपात या फिर हानि करना। नेक्स्ट वर्ड है रेडिकलिज्म। रेडिकलिज्म वर्ड के लास्ट में ISM है, नाउन के तरह यूज होगा। इसका मतलब है द बिलीफ दैट देयर शुड बी ग्रेट और एक्सट्रीम सोशल और पॉलिटिकल चेंज, यानी कि मूल सिद्धांत, उसे ही रेडिकलिज्म कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में वोकैब इतना ही था। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे।